हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिट सक्सेस पर। और दोस्तों, आज आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट निकल के आता है यूपी लेखपाल की भर्ती की तरफ से। क्योंकि दोस्तों, यूपी में लेखपाल की भर्ती शुरू होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें कितनी वैकेंसी होगी और इसकी स्टार्टिंग डेट या लास्ट डेट क्या होने वाली है, एज लिमिट या फिर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले भी यूपी लेखपाल की भर्ती के रिलेटेड एक अपडेट हुआ था, जिसके लिए मैंने आपको वीडियो भी दी थी, लेकिन अब फिर एक नया अपडेट हुआ है और जिसके लिए मैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और बने रहिए इस वीडियो के साथ। उससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जीके क्विज भी ला रहे हैं, जिसमें हम वो सामान्य ज्ञान के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करें जो कि आपके रिटन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हम यहाँ पर टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपडेट की तरफ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूपी लेखपाल की भर्ती को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट हुआ है, तो वो ये है। ये दोस्तों हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में हुआ है। ये आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, सोमवार 9 जुलाई 2018 का। सॉरी दोस्तों, 2 दिन वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई। 9 जुलाई 2018 का न्यूज़पेपर है, इलाहाबाद का न्यूज़पेपर है। दोस्तों, आप कहीं पर भी देख सकते हैं, आप लाइव भी देख सकते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर भी देख सकते हैं। यहाँ आपको पेज नंबर 3 पर एक अपडेट मिलेगा, लेखपालों के 4000 पदों पर भर्ती जल्द। दोस्तों, इससे पहले जो अपडेट था उसमें 5300 था, लेकिन जो अब ये नया अपडेट हुआ है, यानी कि जो परसों का 9 जुलाई के न्यूज़पेपर में अपडेट हुआ है कि लेखपालों के 4000 पदों पर भर्ती जल्द। तो दोस्तों, इस वीडियो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं ताकि आप अच्छे से देख सके। तो दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बता दूं, यहां पर लिखा है राज्य राज्य सरकार सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे लोगों के लिए रोजगार का बड़ा द्वार खोलने जा रही है। राजस्व परिषद में लेखपालों के खाली करीब 4000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। दोस्तों, प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। राजस्व परिषद से लेकर इन भर्तियों का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दिया गया है। कैबिनेट मंजूरी ने के बाद राजस्व परिषद भर्ती के संबंध में आयोग को प्रस्ताव भेजेगा। दोस्तों, प्रस्ताव पर मंजूरी मिल चुकी है। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि जो पहले राजस्व परिषद विभाग द्वारा भर्ती निकाली जाती थी, अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती निकाली जाएगी। तो दोस्तों, अपडेट काफी अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ा बड़ा लिखा है, प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, बस अब भर्ती निकलने की देरी है। मैं आपको बता दूं कि भर्ती कब आएगी। दोस्तों, भर्ती जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक तक भर्ती 100% आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। दोस्तों, केवल विज्ञापन जारी होने की देरी है। तो दोस्तों, अब काफी लोगों का सवाल होगा कि इसमें CCC कंपलसरी है या नहीं। इससे पहली वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि CCC कंपलसरी होगा, क्योंकि ये भर्ती जो निकल रही है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकल रही है, यानी कि हमारा जो यूपी CCC डिपार्टमेंट है। दोस्तों, जितनी भी यूपी CCC की भर्ती होती है उसमें CCC कंपलसरी है, इसलिए CCC इसमें कंपलसरी ही है। अगर दोस्तों अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है, तो आप फटाफट अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों भर्ती निकलने में करीब 1 महीना है, और आप अगर अब अप्लाई कर देंगे तो आपके काफी चांस बन जाएंगे, क्योंकि जो इसमें CCC मांगेंगे वो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले मांगे। इसलिए दोस्तों, फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी अब से करीब 2 या 2.5 महीने बाद की होगी, और तब तक आप अपना CCC कर लोगे। इसलिए दोस्तों, आपके चांस काफी ज्यादा हैं, आप अभी अप्लाई कर दीजिए CCC के लिए। तो दोस्तों, अपडेट इतना ही था, आप कहीं पर भी देख सकते हैं, और काफी अच्छा अपडेट है। आपको भर्ती जो आपकी निकलेगी वो अगस्त के फर्स्ट वीक तक 100% निकल जाएगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी सवाल हो तो नीचे जरूर पूछना। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।